तो ये जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है, ये टॉपिक चैप्टर लाइट में से लिया गया है और टॉपिक का नाम है क्रिटिकल एंगल। इस वीडियो को बनाते दौरान ये बात दिमाग में रखी है मैंने, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है, सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने लाइट चैप्टर में रिफ्रैक्शन का टॉपिक कवर कर लिया है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक रिफ्रैक्शन कवर नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली पहले रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ लें, उसके बाद वो क्रिटिकल एंगल की वीडियो को देखें, तभी उन्हें चीज़ें जो हैं वो समझ आएंगी, वरना नहीं। तो क्रिटिकल एंगल क्या है, डेफिनेशन से पहले ज़रा डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर आप नोट करें। अच्छा, ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, डायग्राम कंप्लीट है, मतलब इस डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनना था, लेकिन ये डायग्राम कंप्लीट करके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यहाँ पर ज़रा देखें, ग्लास और एयर के दरमियान सरफेस मौजूद है, यानी ये ग्लास सरफेस है। ग्लास सरफेस में से लाइट ट्रैवल करके एयर में जाने वाली है। अब ज़रा नोट कीजिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है। आप ये बात जानते हैं कि जब लाइट मोर डेंस मीडियम से लेस डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और स्पीड बढ़ने के बाद वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। यहाँ पे रे नंबर वन को देखें, ये लाइट इंसिडेंट होती है इस पॉइंट पर, ये रेड लाइन आपका नॉर्मल है। लाइट एयर में जाके अवे फ्रॉम द मीडियम बेंड हो गई, ये रे नंबर वन का पाथ है। अगर मैं रे का इंसिडेंट एंगल बढ़ा दूं, ज़रा रे नंबर टू को देखें, रे नंबर टू का इंसिडेंट एंगल रे नंबर वन से ज़्यादा है, तो रे नंबर टू का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी रे नंबर वन से ज़्यादा हो जाएगा। ये रे वन का पाथ है, ये रे टू का पाथ है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, ज़रा यहाँ एंगल देखिएगा, ग्रीन से मार्क किया हुआ है 90 डिग्रीज़। फिर से सुने, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दूं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ के 90 डिग्री हो जाए, तो उस वक्त मैं कहूँगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बराबर कर दिया क्रिटिकल एंगल के। फिर से सुने, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, याद रखें हर मीडियम का हर सरफेस के क्रिटिकल एंगल होता है, जब लाइट का इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, उस वक्त रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं आप, और लाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग इन टू द एयर हैज़ स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलॉन्ग द सर्फेस। लाइट बजाय एयर में जाने के ग्लास एयर सर्फेस में ट्रैवल होना शुरू हो गई। इस इंसिडेंट एंगल को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन पे गौर कीजिए, क्रिटिकल एंगल इज एन इंसिडेंट एंगल फॉर विच द रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्रीज एंड लाइट ट्रैवल्स अलॉन्ग द सर्फेस। इंसिडेंट एंगल दरअसल एक ऐसा क्रिटिकल एंगल है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाए और लाइट अलोंग द सरफेस ट्रैवल करना शुरू हो जाए। लाइट डेंसर मीडियम से आकर बजाय लाइटर मीडियम में जाने के अलोंग द सरफेस ट्रैवल होना शुरू हो गई। यहाँ पर अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वेशन देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेटर एन से डिनोट किया जाता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है रेशो ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्शन एंगल। अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि साइन के साथ बड़ा एंगल ऊपर और छोटा एंगल नीचे आता है। हमारे गिवन केस में ज़रा नोट कीजिएगा, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कम है और रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू ज़्यादा है। इंसिडेंट एंगल देखें अभी ज़रा बीच में आ रहा है, ये 90 भी नहीं हुआ अभी, जबकि रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो चुका है। इसका मतलब एंगल आर ऊपर आएगा, एंगल आई नीचे आएगा। जब एंगल आई एंगल सी के बराबर हो गया, तब एंगल आर 90 के बराबर हो गया। यहाँ देखें आप, वेन एंगल आई इज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल आर बिकम्स इक्वल टू द 90 डिग्रीज। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, साइन 90 1 होता है, तो रिफ्रैक्शन एंगल का फॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया 1/sin C। अगर आपको किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल दे दिया जाए, आप उसका रिफ्रैक्शन एंगल मालूम कर सकते हैं। या अगर मैं इस फॉर्मूला को उल्टा करके लिखूँ, साइन एंगल सी यहाँ ले आऊँ, एन नीचे आ जाएगा, तो साइन एंगल सी बराबर हो गया 1/n के। एंगल सी को सब्जेक्ट बना ले, साइन वहाँ जाके इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा, तो एंगल सी यानी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला आ गया साइन इन्वर्स 1/n। अगर आपको किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम है, तो आप उसका क्रिटिकल एंगल आसानी निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और केस है, देखें, जैसे जैसे मैं इंसिडेंट एंगल बढ़ाता चला गया, रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ता चला गया, एक वक्त आया कि इंसिडेंट एंगल बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल के बराबर हो गया, उस वक्त रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो गया। मेरी एक बात समझ आ गई कि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल रे वन को देखें, क्रिटिकल एंगल से कम है, रिफ्रैक्शन हो गई। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से अभी भी कम है, अभी भी रिफ्रैक्शन हो गई, लाइट उस मीडियम में चला गया। यहाँ पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो चुका है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुई ज़रूर है, लेकिन इस तरह हुई है
के लाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द एयर, एयर में जाने के बजाय कहाँ चला गया, अलोंग द सरफेस ट्रैवल करना शुरू हो गया, एंगल 90 हो गया। क्या होता अगर मैं इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा कर देता, तो लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 90 डिग्री से बढ़ जाता। यहाँ देखें, ये वाला जो एंगल देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो ये तो मुझे ये समझ आ रहा है कि लाइट बजाय एयर में जाने के वापस कहाँ आ चुकी है, ग्लास में आ चुकी है। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा था, लाइट एयर में जाने के बजाय ग्लास में आ चुकी है। इसका रिफ्रैक्शन एंगल नॉर्मल से अगर देखा जाए तो 90 से भी ज़्यादा हो चुका है। इस फिनोमेना को आप कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है, यहाँ डायग्राम से समझें। फिर से ग्लास और एयर आ गया, मोर डेंस मीडियम, लेस डेंस मीडियम। लाइट जब ग्लास से एयर में इस तरह जाती है कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है आपका इंसिडेंट एंगल, ये डॉटेड लाइन देखें, यहाँ पर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो ज़रा देखें, यहाँ पे ये लाइट अलोंग द सर्फेस ट्रैवल होना शुरू हो गई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया 90। लेकिन जब मैं इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल से भी ज़्यादा करूंगा, ये वाला एंगल देखें, ये डॉटेड लाइन क्रिटिकल एंगल था, ये वाली लाइन जो है ये इंसिडेंट एंगल, और आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, उस वक्त क्या होता है, आपकी लाइट रे इस तरह से रिफ्रैक्ट करती है कि उसका एंगल 90 डिग्री से भी बढ़ जाता है। तो ये तो रिफ्रैक्शन से ज़्यादा मुझे रिफ्लेक्शन लग रही है। यहाँ देखें, ग्लास से लाइट होती हुई सर्फेस तक गई और टकराकर वापस ग्लास में आ गई बजाय एयर में जाने के। तो इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन हैपनिंग हेयर, यहाँ तो रिफ्लेक्शन हो गई। इस फिनोमिना को आप TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ज़रा पढ़ें, व्हेन लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम मोर टू लेस डेंस मीडियम, यहाँ देखें लाइट मोर से लेस डेंस मीडियम में जा रही है, एंड द इंसिडेंट एंगल इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और आपका इंसिडेंट एंगल मीडियम के क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक इनटू द सेम मीडियम, तो लाइट सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। इस फिनोमिना को आप TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए आई हैव अ पास्ट पेपर क्वेश्चन विद मी, आइए देखते हैं। ओके, ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय क्रिटिकल एंगल। तो आपने बिल्कुल पीछे वाली डेफिनेशन लिख दी, इट इज एन इंसिडेंट एंगल फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज एंड द लाइट ट्रेवल इज ऑन द सर्फेस। नेक्स्ट पार्ट देखें, लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, आई होप आप देख पा रहे हैं, डायमंड्स आर अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट लाइट। द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज इन एयर इज 24 डिग्रीज। डायमंड का आपको क्रिटिकल एंगल गिवन है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। हमें क्रिटिकल एंगल की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा है, एन इज इक्वल टू 1/sin angle C, यानी 1/sin 24। जब आप इसको कैलकुलेटर में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है यहाँ पे, तो आंसर आ रहा है 2.45। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, यानी डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है, 2.45। याद रखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना आ गया, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास आ गया 2.45। ये बहुत ज़्यादा वैल्यू है, यानी डायमंड लाइट को बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्ट करता है, यानी बेंड करता है, इतना ज़्यादा कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो जाती है। एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 6.1, ये 6.1 है, शोज टू डायमंड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। आपके सामने दो डायमंड्स दिखाए गए, अ रे ऑफ लाइट एंटर्स ईच डायमंड एज शोन। दोनों डायमंड्स में एक एक लाइट रे दिखाई गई है। कह रहे हैं ऑन फिगर 6.1 कंटिन्यू द पाथ ऑफ ईच रे ऑफ लाइट अंटिल इट इमर्जेस इनटू द एयर। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहे हैं आप इन लाइट रेस के पाथ को कंटिन्यू करें जब तक ये लाइट ग्लास से निकल के, यानी सॉरी डायमंड से निकल के एयर में वापस ना आ जाए। अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है वेन एवर देर इज एन इंसिडेंट रे, आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल बनाते हैं। ये देखें, ये लाइन आ गई, इस पे नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल का एंगल सरफेस से 90 डिग्रीज होता है। अब अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो इंसिडेंट एंगल कितना होगा, देखें टोटल 90 होता है, ये 70 था तो ये बचा आपके पास 20, यानी इस वक्त आपका इंसिडेंट एंगल 20 है। ज़रा बताएं इसका क्रिटिकल एंगल कितना होता है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24, और यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है 20, मतलब हुआ एंगल आए इज़ लेस देन एंगल सी,
जब एंगल आई एंगल सी से कम होता है तो सिंपली रिफ्रैक्शन होती है। और आपको पता है जब लाइट डायमंड से एयर में आएगी, मोर से लेस डेंस मीडियम आएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यहाँ देखें, यह आ गया आपकी इंसिडेंट रे। यहाँ पर इस पॉइंट पर आप बनाएंगे नॉर्मल। अगर ये पूरा एंगल 90 होता है और ये 45 है, तो बाकी का बचा ये वाला भी कितना हुआ, ये भी 45 डिग्रीज हुआ। यहाँ पर एंगल आई 45 है और एंगल सी की वैल्यू थी 24, यानी एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल सी, मतलब आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो ऐसी सूरत में आप जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट एयर में आने के बजाय वापस कहाँ चली जाएगी, वापस डायमंड में चली जाएगी और 45 डिग्रीज़ के एंगल से ही जाएगी। तो यहाँ पर लाइट एयर में इमर्ज आउट होगी, लेकिन यहाँ पर लाइट एयर में इमर्ज आउट नहीं होगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट 3 मार्क्स। थैंक यू सो मच।